दर्पण दृश्यमानगरी तुल्यं निजान्तर्गत पश्यन् आत्मनिमायया भूतं यथा निद्रया यस्याक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदम् श्रीदक्षिणामूर्तये मुग्धम् स्निग्धम् मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारम् कारम् करणविभवम् गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामम् कामम् व्रजजनमनो मोहनम् मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यम् निवसतु मो वल्लवी वल्लभम् नः अभिनवनवनीतस्निग्धमापीतदुग्धम् दधिकणपरिदिग्धम् मुग्धमङ्गम् मुरारे दिशतु भुवनकृच्छ्रच्छेदितापिच्छदिच्छैर्लाञ्छितम् वाञ्छितम् भगवान् अपनी भगवत्ता का स्मरण करते नृत्य करते हैं। भगवान बजाते हैं ताली और दुनिया भर के जीव नाचते हैं। आखिर सच्चे तो है ना, भगवान की आज्ञा के अनुसार सब चलते हैं। और गोपी देती है आज्ञा और भगवान बाट उठा के लाते हैं, खड़ाऊ उठा के लाते हैं, पीढ़ा उठा के लाते हैं। बाल चेष्टा के द्वारा उन लोगों को आनंद देते हैं जो भगवान की भगवत्ता को तो जानते हैं परंतु भृत्य वश्यता को नहीं जानते हैं। कल तीनों सुनाई थी वो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज इस अभिप्राय से व्याख्यान करते हैं, जिसका उद्धार भगवान बिना किसी प्रयत्न के सहज स्वभाव के कर दें और जिसके लिए कुछ कोशिश करनी पड़े तो राजस, जिसके लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़े तो तामस। कनकादि का उद्धार करना हो तो भगवान को कोई प्रयास नहीं है, वो तो अपने निर्गुण निराकार में स्थित हैं और कनकादि तो अपने ज्ञान से ही मुक्त हैं, भगवान को कोई परिश्रम नहीं। तो असल में निष्क्रिय है भगवान वहां, क्योंकि क्रिया करने की जरूरत ही नहीं है। अमना है भगवान वहां, क्यों? क्योंकि संकल्प करने की जरूरत नहीं है। पुनः भगवान वहां, क्यों? कोई उनको बांधने के लिए गुण दिखाने की जरूरत नहीं है। सात्विक के लिए भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, न सगुण होना पड़ता, न संकल्प करना पड़ता, न क्रिया करनी पड़ती और न साकार होना पड़ता। और आज एक गोपी से काम पड़ा, देखिए हमारा तुमसे प्रेम है। भगवान ने कहा जितना प्रेम तुम्हारा हमसे है उतना हमारा भी है तुमसे। तो बोले वाह, हमको तो तुम उंगली के इशारे पर नचाते हो, हम तुमको अपनी उंगली के इशारे पर नहीं नचावे तो कैसा प्रेम? बोले कैसा नचाओ गोपी, हम नाचते हैं। तो जहां नाचना है गाना है वहां नाचने और गाने का आनंद देखने वाले में जाता है। तो रंजनात्मक चित्त वृत्ति होने से वहां स्वसुख की भावना आए, वैसे गोपी में नहीं आती है। और जहां कहती है बाट ले आओ, खड़ाओ ले आओ, पीड़ा ले आओ, वहां तो भगवान के ऊपर बोझ ही लादती है, तो ये तमस हो गया। और जहां भगवान सहज बाल लीला से खेल रहे हैं और देख देख के महात्मा लोग आनंदित हो रहे हैं तो वहां सत्व हो गया। तो ये प्राकृत सत्व नहीं है, प्राकृत रजस नहीं है, प्राकृत तमस नहीं है,
ये भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गणमयी जो लीला है, उस लीला का तत्व है, उस लीला का चित्व है, उस लीला का आनंद है। नृत्य और गान जो है वो आनंद प्रधान है, बोला। अब उस सत्व रज तम को छोड़ दो, नृत्य और गान की लीला आनंद प्रधान है, और पादुका उन्मान और पीठ के वहन की लीला जो है वो सत्व प्रधान है, उसमें क्रिया भी है और द्रव्य भी है। और जो महात्माओं को केवल अपनी भृत्यवश्यता दिखाना है वो चित्त प्रधान है। तो पहली लीला हुई आनंद प्रधान, दूसरी लीला हुई सत प्रधान, और तीसरी लीला हुई चित्त प्रधान। चित्त में ज्ञान है, आनंद में प्रेम है, और चित्त में प्रकाश है, दर्शन है। तो अब एक दूसरी बात, ये ब्रह्म है, ये जीवन मुक्त है, आपको सुनाया था। अचल तत्व दृष्टि अपने आप में स्थापित करके और अहम प्रति का परित्याग कर दिया जाए, और फिर वृत्ति के अनुरोध से सारा व्यवहार हो गए। अब पंचवृत्ति का श्लोक कहो तो बोल रहे हैं, अब प्रवेश चिदात्मानम पृथक पश्यन्न अहं कृतम्, इच्छस्तु कोटि वस्तूनि न बाधो ग्रंथि भेदतः। विद्यारण्य स्वामी बोलते हैं संतुष्टि में, अपने सच्चिदानंद घन अद्वय चिदात्मा को देह के आकार में आविष्ट मत करो, प्रविष्ट मत करो। इसमें जो अहंकृति है, अध्यास है, उसको अलग देखो, तुम वो नहीं हो। वर्णाध्यास से काम हो रहा है, आश्रमाध्यास से काम हो रहा है, नरस्वाध्यास से काम हो रहा है, अरे वो तो अध्यास ही काम कर रहा है, तुम थोड़ी कर रहे हो। पृथक पश्यन्न अहंकृते, शरीर में ब्राह्मण अलग संध्या वंदन कर रहा है, क्षत्रिय युद्ध कर रहा है, वही शिव व्यापार कर रहा है, वो शरीर में अलग है, वो अलग। और तत्वज्ञ जो है वो काकाक्षी गोलकन न्याय से अपने को ब्रह्म देखता है तो सब बाधित हो जाता है, और अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय देखता है तो सारा व्यवहार कर लेता है। कभी अध्यस्त के साथ तादात्म्यपन्न होकर के व्यवहार करता है, और कभी अधिष्ठान से तादात्म्यपन्न होकर के अपने अद्वैत्व का अनुभव करता है। जब अद्वैत्व का अनुभव करता है तो सब स्वप्नवत, और जब स्वप्नवत व्यवहार करता है नारायण, ये वेदांत की बात आ सकती है। स्वैरम वृत्ति अनुरोधतो विहरणम यत् संसर्तौ निर्भयम्, ये तत्वज्ञानी का निर्भय व्यवहार है। जो हो चाहे, सृष्टि हो, प्रलय हो, शरीर सोए जागे, हाय हाय करे, रोए गावे, तो शरीर के साथ कोई संबंध ही नहीं है। वन मुक्त दतापि सैव गरिते प्यारा परान बोधयन, मन्ये गोप्यनुकूल एव भगवान तादृश तदासीद ब्रजे। अपने संकल्प से कुछ करते ही नहीं, सब गोपियों के संकल्प से होता है। कहें खाओ तो खाएं, तो बोले नाचो तो नाचे, गाओ तो गावे, ले आओ तो ले आओ, बोले सो जाओ तो सो गए, बोले कौन करता है, बोले ये गोपी के अनुसार, वृत्ति के अनुसार, अंतकरण की वृत्ति के अनुसार सारा व्यवहार हो रहा है। और स्वयं श्री कृष्ण अब प्राणो यमुना शुभ्रह ज्यो के त्यों है। के बाद का जो प्रसंग है उसके संबंध में जरा दो बात सुना। श्रीधर स्वामी ने इन आठ श्लोकों की व्याख्या नहीं की है। जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्रीधर स्वामी ने व्याख्या नहीं की है, परंतु श्रीधर स्वामी से भी प्राचीन जो चित्सुखाचार्य हुए हैं, शंकर संप्रदाय के हुए हैं, एक ये भी ध्यान देने लायक है कि चैतन्य महाप्रभु के
जो अनुयायी होते हैं वो अद्वैत का खंडन तो करते हैं, परंतु सन्यासी संप्रदाय के आचार्यों का नाम बड़े प्रेम से लेते हैं। और वो श्रीधर स्वामी की टीका को मानते हैं। तो क्योंकि वो जो श्री चैतन्य महाप्रभु थे ना, श्री कृष्ण चैतन्य भारती, तो दस नामी सन्यासियों में ही भारती होते हैं, तो भारती के शिष्य भारती, और उनके शिष्यों में प्रबोधानंद सरस्वती, विश्वरूपाचार्य, ये सब उनसे अंगते हैं। सुखाचार्य का नाम श्रीजीव गोस्वामी जी महाराज लेते हैं कि शांकर संप्रदाय के श्रीधर स्वामी से भी प्राचीन जो चित्त सुखाचार्य हैं, उन्होंने इन श्लोकों पर कहीं कहीं टिप्पणी की है। तो कहते हैं कि भले ये श्लोक श्रीमद् भागवत के न हो, परंतु पुरानी परंपरा से ही ये श्रीमद् भागवत में चले आए हैं और भिन्न भिन्न टीकाकारों ने इन पर दृष्टि डाली है, तो आओ हम भी इसकी लीला का आस्वादन करें। क्योंकि अपन लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस बात पर विचार करते हैं, हम आनंद के लिए भक्ति की बात करते हैं, भगवान की लीला की बात इसलिए नहीं करते हैं कि 5000 बरस पहले कृष्ण हुए कि 3000 बरस पहले हुए, क्योंकि हमेशा रहते हैं। अरे इस समय जो हमारे हृदय में प्रकट होके हमको आनंद दे रहे हैं, उन कृष्ण से हमारा मतलब है। ये हमारे अपने जो प्राइवेट कृष्ण हैं, और जिनका नाम लेने से, जिनका स्मरण करने से, जिनसे प्रेम करके हम सुखी होते हैं, उन कृष्ण से हमारा मतलब है। ऐतिहासिक लोग खोजबीन करें, तो परमहंस रामकृष्ण का वो दृष्टांत आपको मालूम है ना। एक बार कुछ लोग गए एक आम के बगीचे में, बोला तो उन्होंने माली को बुलाया और एक एक आम की जांच करने लगे, कितने बरस पहले लगा था, ये किस किस्म का आम है, ये हर साल फलता है कि तीसरे बरस फलता है। उन्होंने सब बगीचे का नोट लिया हो, और एक आदमी कोई ऐसे थे उन लोगों से अलग हो गए, और बस पके पके बढ़िया बढ़िया आम लेके उन्होंने खाना शुरू किया। जब वो लोग खोजबीन करके आए तो बोले, भाई चलो, अरे तुमने तो कुछ किया ही नहीं, बगीचे की खोज नहीं की। बोले, हमने तार तार ले लिया इसका। तो कृष्ण साक्षात भगवान है, ब्रह्म है, साक्षात भगवान है, परव्योमाधिनाथ है, कारणारण अवसाई है, गर्भोदिशाई है, क्षीरोदिशाई है, श्वेत द्वीपाधिपति है, वैकुंठनाथ है, कौन है कई, इसकी खोज तो डाल दो पंडितों के सिर पे, और आओ अपन ये सावरे सलोने जो ब्रजराज कुमार हैं, कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए उनका ध्यान करो, अपने मन को चारों ओर से हटा लो, ले चलो गोकुल, सुंदर आनंद है। ये खोजबीन करने वालों के हाथ कुछ लगता नहीं, ये हम बिल्कुल खुले ये बात कह सकते हैं। कहो तो आपको समझा दें, काल की आदि किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती, और काल का अंत भी किसी की बुद्धि में नहीं आ सकता। तो जिसका आदि और अंत नहीं है, उसका मध्य केवल प्रतीति रूप ही होता है। तो जब तुमको परमानंद की प्रतीति हो तो परमानंद काल है, आदि काल की प्रतीति परमानंद नहीं है और अंत काल की प्रतीति परमानंद नहीं है। जिस काल में तुम्हें परमानंद की प्रतीति हो वही परमानंद है। अपने मन को परमानंद के समुद्र में डाल दो, यही ध्यान का मार्ग है, यही प्रेम का मार्ग है, यही उपासना का मार्ग है, यही भक्ति का मार्ग है। और न तो अनादि अतीत किसी की बुद्धि में आया है और न तो अनंत भविष्य किसी की बुद्धि में आवेगा। ईश्वर को जानने का तरीका ये है कि भूत भविष्य की खोज न करके वर्तमान में जो भास रहा है उसको आत्मा से आत्मरस से परिपूर्ण कर रहे हैं।
त्रीणी ही भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यम आदाय यजौ सर्व फल प्रदः फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम् फलैरपूरयद् रत्नैः फलभाण्डम पूरिचो। अभी दो श्लोक में एक लीला है, वो तीन श्लोक में सत्चित आनंद सत्वरजतम। लौकिक दृष्टि से देखो तो सत्वरजतम और सात्विक दृष्टि से देखो तो सत्चित आनंद। अब एक लीला है, ये लीला क्या है कि एक आई गांव में टोकरी सिर पर लिए फल बेचने वाली और उसने कहा भाई फल लो फल, आम लो आम, अंगूर लो अंगूर। जो उसकी आवाज सुनी तो सत्वरमच्युत कृष्ण ने छत हाथ भर दोनों हाथ से अंजलि भर आनंद उठाया और दौड़ गए कि हमको फल चाहिए। फल खरीदने गए हो, कमर में करदनी, पांव में रुंधन, रुंधन, हाथ में कंगन, मैया ने गुरुचन का तिलक लगाया था, बाल संवार दिए थे, बोला बड़े सुंदर नन्हा मुन्ना बालक चार बरस का पांच का, और दोनों हाथ में लेकर के दौड़ा हम फल लेंगे फल। टोकरी बोली में बोला फल हो फल वाली, हम फल लेंगे फल। अब उसने देखा कि ये तो फल लेने के लिए आए तो हाथ में से अन्न तो पहले ही गिर गया था, छोटी छोटी हथेली, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे दांत, छोटे छोटे कृष्ण माना धोना वाला, वो अन्न तो पहले ही गिर गया था, माना चार पांच बरस के बच्चे में अन्न टिके कहां से। पर उसने उठा के फल से उनके हाथ को भर दिया और उधर रत्नों ने क्या किया कि रत्नों ने उसकी टोकरी को भर दिया। अब आपको देखो दो दो श्लोक में लीला है, ये तो इस बच्चे का खेल हो गया ना। तो देखो यहाँ ये बात कही गई कि भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रद ईश्वर है, कर्म में जितने लोग कर्म करते हैं उनके कर्म के फल देने वाले श्री कृष्ण। तो दर्शन में एक अधिकरण ही है, वो फलमतः उपपत्तय, कर्म जड़ होता है और फल भी जड़ होता है। यदि कर्ता के हाथ में फल को पहुंचाने वाला चेतन नहीं हो तो कर्म का फल नहीं मिल सकता। ऐसे समझो कि थाली में रखी हुई रोटी भी जड़ और उठाने वाला हाथ भी जड़ और खाने वाला मुंह भी जड़। यदि कोई भीतर जीव चैतन्य न होए, जो व्यवस्था पूर्वक हाथ से रोटी को उठा के मुंह में डालो तो रोटी भीतर नहीं पहुंच सकते। आपके ध्यान में ये युक्ति आती है कि रोटी खुद ही मुंह में पहुंच गई, मुंह खुद ही रोटी पर पहुंच गया, का हाथ ने खुद ही मुंह में डाल लिया। क्रिया जहां व्यवस्थित होती है, बिल्कुल व्यवस्था के अनुसार क्रिया होती है, वहां क्रिया का कर्ता कोई न कोई मौजूद रहता है। जब कर्म करने वाले को फल मिलता है तो न कर्म अपने फल को पहचानता है और न फल अपने कर्म को पहचानता है। ये कर्म का सिद्धांत है। और सारा बचपन हमारा धर्म शास्त्र पढ़ने में बीता है, क्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, स्मृति, हम उसकी व्यवस्था को ठीक ठीक समझते हैं। किस कर्म से कौन सा फल कैसे बनता है इसका विज्ञान है। ये नहीं है कि अंत इस कर्म से ये फल हो गया, इस कर्म से ये फल हो गया, कर्म का एक विज्ञान है।
तो बोले भाई अच्छा ये तो शरीर में जीव के जीवन में ये बात देखते हैं, समष्टि में इस कर्म का फल ये होना चाहिए, ये कौन देता है? बोले उसी का नाम ईश्वर है, फलमतः उपपत्ति है। ईश्वर, ईश्वर से फल मिलता है, फल स्वतंत्र नहीं मिलता, क्योंकि ऐसी युक्ति है, ये युक्त बात है। उपपत्ति का अर्थ है कि ये केवल केवल शास्त्र में श्रुत नहीं है, उपपत्ति से युक्ति से ये बात सिद्ध है। जैसा काम करोगे वैसे ही फल मिलेगा। तो ये ईश्वर जो है वो सबको फल देने का काम करता है। तो क्या जीव हमेशा फल लेता रहे और ईश्वर हमेशा फल देता रहे? अरे कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो ईश्वर को भी फल दे। भला ईश्वर को कौन फल देगा? तो देखो, जब तुम अपने प्रेम से ईश्वर को बांध सकते हो, अपने प्रेम से ईश्वर के वश में, ईश्वर को वश में कर सकते हो, प्रेम का इतना सामर्थ्य, ये भी युक्ति युक्त है, इसका भी विज्ञान है। तो इस बात को, प्रेम जो है वो सजातीय में होता है, माने चेतन चेतन से ही प्रेम कर सकता है। राधा रानी चेतन है, सब चेतन कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, चैतन्य ही चैतन्य से प्रेम कर सकता है। बड़ा विलक्षण। अभी महाराज फल बेचती हुई आई, ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा। अब जीव तो कर्म करते हैं और फल लेते हैं, भगवान बोले हमको भी फल चाहिए। बोले फल चाहिए तो यज्ञ करना पड़ेगा। तो दान करने के लिए जैसे कोई हाथ में अन्न ले, है ना, बोले भाई अब इसका फल लेंगे यज्ञ करने से। तो यज्ञ तो उनसे होए कहाँ से, करता भोगता। तो फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम्। यज्ञ जागादि तो वहां है नहीं, कर्म तो है नहीं, धन धान्य तो है नहीं। श्रुति भगवती ने फल ही रख दिया भगवान के हाथ में। इसका क्या अर्थ हुआ? देखो असल में फल तो फल बनता है तब जब भगवान अपने हाथ से उसको छूते हैं। फल फल होते ही तब है। अब इधर क्या हुआ कि देखने में तो उस फल बेचने वाली ने भगवान के हाथों में फल अर्पण किया और उधर समस्ती विरुद्ध सृष्टि की जड़ता बिल्कुल है। और ये भगवान के हाथ में देती है। लोग अग्नि में डालते हैं तो उनको फल मिलता है, इंद्र आदि देवता के नाम से देते हैं तो उनको फल मिलता है, और ये फल विक्रयणी, ये फल बेचने वाली साक्षात भगवान के हाथ में देती है, इसको कुछ मिलना तो चाहिए ना। सारे के सारे रत्न जो हैं, बड़े बड़े रत्न आ करके उसकी टोकरी में बैठ गए अपने आप रत्नों में। अब एक दूसरी लीला प्रारंभ होते है। माने इसमें देखो ये बात बताई कि जैसे यज्ञ जागादि करके जीव फल प्राप्त करते हैं, वैसे जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं तो वो भी फल प्राप्त करते हैं, लेकिन वहां देने वाला जो है फल देने वाला कर्ता हो जाता है। फल देने का विज्ञान भी बहुत बढ़िया है। बोला भागवत में ये प्रश्न होता है, पांचवें स्कंद में ये प्रश्न है कि कर्म का फल कर्ता को मिलना चाहिए। तो जब हम कहते हैं इंद्राय स्वाहा करके अग्नि में आहुति डालते हैं, इंद्र तो बड़ी दूर है, इंद्र क्या होता है? बड़ा सुंदर ये प्रसंग है, बोला विद्वानों के समझने योग्य है। तो बोले कि देखो न तो जीव करता है, ये उसका उत्तर है, जीव करता नहीं है और इंद्र भोगता नहीं है। ये तो अंतर्यामी भगवान के दो लीला रूप हैं। यहाँ वो जजमान बन के हवन करता है और वहाँ देवता बन करके ग्रहण करता है। असल में जो यहाँ करता है वही वहाँ भोगता है। किसी ने इंद्र को खिलौना भोगता बना रखा है। एक बच्ची है वो, तो उसकी माँ तो है ही है,
उसकी और साई हैं, कोई चाची हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं, तो वो उसको कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी वो नहीं है, मैं हूँ। तो वो कहती है ये हमारी मम्मी है, ये हमारी डालडा मम्मी है ना, ऐसे बोलती है ये डालडा मम्मी है। आप समझते हैं ना, तो ये जो कर्ता जजमान है ये तो डालडा करता है, और जो भोक्ता इंद्र है तो डालडा भोक्ता है। दोनों के भीतर अंतर्यामी एक ईश्वर बैठा हुआ है, यहाँ इसको नचा रहा है करने के लिए और वहाँ उसको नचा रहा है आहुति लेने के लिए। दोनों जगह एक ही अंतर्यामी है, और यदि देने लेने की उपाधि छोड़ दे तो अंतर्यामी में अंतर्यामित्व नहीं है, केवल प्रकाशकत्व मात्र है। वही कर्ता का आत्मा है असली में, और वही इंद्र का भी आत्मा है असली में। तो अब दूसरी लीला प्रारंभ करते हैं, प्रेम की लीला बड़ी विलक्षण है वो। हाँ, इसमें प्रेमी प्रियतम हो जाता है और प्रियतम प्रेमी हो जाता है, और ये यदि बदलते न रहे। इसमें प्रेम में सबसे रहस्य की बात ये है कि छिपा रहे ना, तब तो प्रेमी प्रेमी रहता है और प्रियतम प्रियतम रहता है। अगर प्रेमी ये चाहता हो कि हम ही अपने प्रियतम की सेवा करें, हम ही उसको सुख पहुंचावें, तो अपने प्रेम को गुप्त रखें। और यदि वो गुप्त नहीं रखेगा, प्रकट कर देगा, तो होगा क्या, इसका फल क्या होगा? प्रियतम कहेगा कि इससे बड़ा प्रेमी तो हमारा कोई दूसरा है ही नहीं, तो आओ हम इसकी सेवा करें, तो उलझ जाएगा, प्रियतम प्रेमी हो जाएगा, है ना, और प्रेमी प्रियतम हो जाएगा। अब भगवान से तो कुछ छिप नहीं सकता, छिप सकता है भगवान से कुछ नहीं छिप सकता, तो सब क्या होगा कि यदि तुम थोड़ा भी भगवान से प्रेम करोगे तो वो तुम्हारे प्रेम को पहचान करके तुम्हारे प्रेमी बन जाएंगे। माने भगवान का स्वभाव हमेशा प्रियतम रहने का नहीं है, भगवान का स्वभाव प्रेमी रहने का है, लेकिन वो तुम्हारे दिल की जानते हैं। अगर प्रेम में सच्चाई हो तब ना, प्रेम में कपट नहीं चलता है, प्रेम में झूठ नहीं चलता है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं चलती है, प्रेम में द्वेष नहीं चलता है। प्रेम में शौक की याद आ गई तो प्रेम क्या, प्रेम में प्रियतम की याद होनी चाहिए, शौक की नहीं आनी चाहिए, प्रेम बिखरना नहीं चाहिए। प्रेम नरक है यदि उसमें ईर्ष्या है, प्रेम पाप है यदि उसमें दूसरे का संबंध है, प्रेम आग है यदि उसमें कपट है, जला देगा, प्रेम पनाला है, गंदा है यदि उसमें अपने भोग की वासना है। तो प्रेम को पहचानना पड़ता है, भगवान प्रेम को पहचानते हैं। मोह कपट छल छिद्र भावा, ये नहीं कहा भगवान ने कि मोहित कामन भावा, लोभन भावा, क्रोधन भावा, ऐसे क्यों नहीं बोले? निर्मल मन जन सो मोहि भावा, सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। ये नहीं बोले कि मोहि है काम क्रोध लोभन भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। छिद्र क्या है, कपट क्या है, छल क्या है, छिद्र क्या है? कपट होता है अपनी बात को छिपाना, और छल होता है उसके धोखे में डालना, और छिद्र होता है प्रेम में दूसरे को मौका देना। छेद हो गया हो, दूसरा घुस जाएगा भीतर, छेद हो गया, छेद, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो ये प्रीति की रीति बड़ी निराली, बड़ी निराली है प्रीति की रीति। और ये कहो कि कोई अपने को छिपा ले
तो एक तो ईश्वर सबके हृदय में है, नहीं छिपा सकता। दूसरी बात यह है कि एक ही आत्मा सबके हृदय में है, इसलिए भी नहीं छिप सकता। अच्छा, तीसरी बात यह है कि सबके शरीर में से एक प्रकार की तन्मात्रा निकलती रहती है, वो सबके शरीर में से एक प्रकार के परमाणु निकलते हैं। जैसे गुस्सा आने पर तुमको देख के आदमी पहचान जाता है कि ये आदमी गुस्सैल है, वैसे तुम्हारे हृदय में यदि प्रेम होए, आंख में प्रेम होए, चेहरे पर प्रेम होए, तो देखते ही आदमी पहचान जाएगा कि ये प्रेमिल है। जब तुम दुख को नहीं छिपा सकते तो सुख को कैसे छिपा सकते हो? जब तुम क्रोध को नहीं छिपा सकते तो प्रेम को कैसे छिपा सकते हो? छिपा नहीं सकते, जाहिर हो जाता है। बराबर। तो आओ कृष्ण की लीला सुनाऊं आपको। सरित तीरगतम कृष्णम भजनार्जुन मताहुवयत नोपेय प्रियाताम यदा पूतौ क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदां प्रेषयामासो रोहिणी पुत्रवत्सला क्रीडन्तं सासुतं बालैः अतिबेलं सहाग्रजं यशोदा जोहवी कृष्णं पुत्रस्नेहस्नुतस्तनि कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष पातयेः स्तनं दिवो अलं विहारैः क्षुत्क्षान्तः तद भगवान भोक्तुमर्हति। एक दिन श्री कृष्ण यमुना के तट पर खेल रहे थे। सरित तीरगतम कृष्णम। देखो, ब्रज में एक तो पहाड़ है और एक नदी है, आप जानते हैं नदी। द्विज कुल घुष्ट सरह सरिन महीद्रा, और एक सरोवर है। द्विज कुल घुष्ट सरह सरिन महीद्रा। सरिता क्या है कि हमारे भाव वृत्ति की जो धारा कृष्ण की ओर निरंतर बहती रहती है वो सरिता है, और जो हमारे भाव में दृढ़ता है कि कभी नहीं टूटेगा ये पर्वत है, और जो निर्मलता है वो सरोवर है। वो नैर्मल्य जो है वो सरोवर है, और प्रवाह जो है वो सरिता है, और दृढ़ता जो है वो पर्वत है। ये हृदय के वृंदावन में, हृदय के ब्रज में प्रेम है, तो बारंबार स्मृति संतान परंपरा होनी चाहिए, धारा होनी चाहिए, बारंबार मन वही जाए वही जाए वही जाए, और निर्मल होना चाहिए, उसमें दूसरा नहीं आना चाहिए। तीसरा दृढ़ता होनी चाहिए पहाड़ पर, चाहे जितनी वर्षा हो, चाहे जितनी गर्मी पड़े, चाहे जितनी सर्दी पड़े, शिखर जो कहते हो प्रेम पर्वत के समान दृढ़ होना चाहिए, और सरिता के समान प्रियतम की ओर बहने वाला होना चाहिए, और स्वच्छ सरोवर के समान निर्मल होना चाहिए, उसमें वासना का कलुष नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहाँ क्रीडा करना पसंद करते हैं? सरित तीर गतम कृष्णा, सरिता के तट पर। सरिता मिली सड़ाग से हो दीनों फूल विदा, नाम मुझो सरिता भई अब कौन निबेरे पाए, ज्वालिनी प्रगटो पूरन ने दधि भाजन सिर पैलिए हो कहती गोपाल ही ले हो। ज्वालिनी प्रगटो पूरन ने, ज्वालिनी के हृदय का प्रेम प्रकट हो गया, वो सिर पर तो दही का बर्तन लिए हुए है, और दही लो दही नहीं बोलती है, कहती है कोई गोपाल लो गोपाल, मन वो दही नहीं बेच रही है, कृष्ण को बेच रही है। ज्वालिनी प्रगटो पूरन ने दधि भाजन सिर पर लिए हो कहती गोपाल ही ले हो। देखो कितनी आत्मविस्मृति है, अपने को भूल गई, दही को भूल गई, बोलती है कृष्ण कृष्ण लो कृष्ण कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण। सरिता मिली तड़ाग से हो दीनी फूल बिदार, नाम मिटो सरिता भई अब कौन निबेरे बारे। तो श्री कृष्ण सरिता के तीर पर क्रीड़ा करते हैं। अब महाराज
रोहिणी जी कहीं बुलाने के लिए तो सरित बिहारी कृष्ण करके नहीं बुलाया। ये सरिता भी तो विलक्षण है ना। ये कृष्ण को तो महाराज ब्याह करने में तो किसी से कोई चाहे दुष्ट ब्याह कर ले। आप तो सुना दे एक आध कहो तो आलू की लड़की से शादी कर ले। आपको मालूम है भालू की लड़की से शादी कर ले, जाम्बवती से। जाम्बवती तो जाम्बवान की पुत्री थी ना भालू की लड़की। हाँ, वो ये नहीं देखा कि काले काले बाल इसके सारे शरीर में। अरे देखा, इसके हृदय में प्रेम बहुत है। वो बहुत सुंदरी थी वो। वो श्री कृष्ण के पुत्रों में सबसे सुंदर सांब था जो जाम्बवती का पुत्र था। सबसे सुंदर वही था। प्रेम देखते हैं, प्रेम। सरित सरित तीर गतम कृष्णम। अब उसने पुकारा भजनार्ग। नदी भी कालिंदी से विवाह किसने किया? अपमान कालिंदी से विवाह। वो चले गए आसाम में। हाँ, वहां से निकाल लिया। चले गए मद्रास में। हाँ, चले गए उज्जैन में। उज्जैन में ब्याह, मद्रास में ब्याह, अवंती में ब्याह। मामा के घर में ब्याह, बुआ के घर में ब्याह। ब्याह ही ब्याह। ये विवाह बता रहे भगवान का। ये लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए हो। ये प्रत्येक वृत्ति को, वृत्ति का आकार चाहे कहीं भी हो, किसी नित्य से वृत्ति उत्पन्न हो, कोई भी उसका उपादान हो गए, परंतु वो कृष्ण के साथ जुड़ जाए। तो कालिंदी जी तो वही है ना। कालिंदी अब इन्होंने पुकारा भगनार्जुन। कृष्ण का राम राम। अर्जुन हमारा मित्र है ब्रजलीला में भी और कुरुक्षेत्र लीला में भी होने वाला है। अरे वो अर्जुन को तोड़ने वाले, ये कोई बुलाने का ढंग है? हम तो अपने प्रेम से खेल रहे हैं और ये हमको कहती है अर्जुन को तोड़ने वाले। नोपे याता यदा भूत श्रीदा संदेन पुत्र। अल्प पुत्र, पुत्र का छोटे बेटे को पुत्र बोलते हैं। नन्ना मुन्ना, अभी नन्ने मुन्ने हैं। क्रीड़ा में इतनी आसक्ति है, खेलने में इतनी आसक्ति है कि नहीं आए। तब रोहिणी ने कहा कि देखो बेटा तो हमारा है बलराम और कृष्ण भी है, परंतु ये हमारे बुलाने से तो आते ही नहीं। तो देखो रोहिणी के बुलाने से नहीं आए और यशोदा मैया के बुलाने से आए, इसमें बुलाने में जो अंतर है उस पर आप ध्यान देना। जसोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्र वत्सला। रोहिणी के हृदय में भी प्रेम तो बहुत है, परंतु वो जबरदस्ती पकड़ के लाना नहीं चाहती है। वो कहती है कृष्ण आवे प्रेम चाहे। आंख टेढ़ी करके बेटे को जब बुलाना पड़ गया या जोर से बोलना, पुकारना पड़ा, डांटना पड़ा, अरे जरा प्रेम से बुलाओगे। अपने बच्चे पर तुम्हारा प्रेम नहीं उभरता है तो किसके ऊपर उभरेगा? प्रेम से बुलाओ, डांट से मत बुलाओ, आंख मत फेरो, मारो मत, जोर से मत चिल्लाओ, नहीं तो बच्चे की आदत बिगड़ जाती हो। जब जोर से बोलने पर ही आवे तो बाद में वो तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है। इशारा कर दो, अंगुली से इशारा कर दो और बात, ये नहीं जोर से बोलना पड़ा, चुप रहो, जरा इशारा किया और चुप। जानता है कि मैया का प्रेम है। अब तो महाराज जसोदा है, रोहिणी का प्रेम बहुत है, पर वो समझती हैं कि जसोदा का प्रेम हमसे भी ज्यादा है। एक प्रेम का रहस्य आपको मालूम है कि नहीं? जो ये समझता है कि हमारा प्रेम ज्यादा है, उसको प्रेम का अभिमान होता है और उसका प्रेम बढ़ता नहीं है, दिनों दिन घट जाता है, क्योंकि प्रेम प्रेम के अभिमान की पूर्ति तो होगी नहीं। और जिसको लगता है कि हमारा प्रेम कम है, उसका प्रेम बढ़ता है। अभिमान के आश्रित प्रेम नहीं रह सकता, प्रेम विनय के आश्रित रहता है। प्रेम हृदय की द्रवावस्था में रहता है, कठोरावस्था में नहीं रहता। तो अभिमान जो है वो कठोरावस्था है और विनय जो है वो द्रवावस्था है।
द्रव माने पिघला हो, पिघला हुआ दिल, पिघले हुए दिल में प्रेम रहता है, पत्थर में कठोर में प्रेम नहीं रहता। तो अभिमान कठोर है और विनय नम्र है, इसलिए विनयी हृदय में प्रेम का निवास है, अभिमानी हृदय में प्रेम का निवास नहीं है। अब यशोदा को भेज दिया, क्रीडन्तं सासुतं बालैः अतिबेलं साग्रजम्। यशोदा जोहवी कृष्णम् पुत्र स्नेहस्मृतस्तनि कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष। अब कहते हैं बच्चों के साथ कृष्ण खेल रहे हैं, खाने का समय बीत गया है, बलराम जी भी खेल रहे हैं, यशोदा गई। पहली बात ये बताई कि यशोदा वैसे तो साड़ी पहने हुए थे, है ना, ब्रज के लोग तो लहंगा पहनते थे, लहंगा लहंगा और कंचुकी, ये ढिल्लम ढिल्ल नहीं, ढिल्लम ढिल्ल नहीं। अब तो साड़ी बिचारी जो है वो पंजे से चखने पर आई, चखने से पिंजे पर गई, पिंजे पर से मैंने कहा घुटने पर गई, घुटने से जांग पर चली गई, अभी पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी। एक दिन दो फ्रांस से दो स्त्री आई थी हमारे पास, तो कुर्सी नहीं थी हमारे पास, बोला यही उनको नीचे बैठना पड़ा। नीचे बैठने में उनको कितना कष्ट हुआ, हे ईश्वर है। अब उनका वस्त्र जो है वो ऐसा था कि नीचे बैठ नहीं सकते, तो ब्रज की स्त्री लहंगा पहनने वाली हो, हाँ वो तो कछाना मार के कूद पर, कछाना मारना जानते हैं आप तो? नहीं जानते, और तो कछाना मार के कूद पड़े, तो अब वो तो बाप रे। फिर भी यशोदा मैया के वक्षस्थल से दूध बह रहा था और सामने दिख रहा था, कृष्ण ने देखा पुत्र स्नेह स्नुत सनी, मैया का दूध फालतू जा रहा है ना, जो हमारे मुंह में जाना चाहिए, जो पीने का है वो बाहर निकल रहा है। बच्चे को और क्या चाहिए, बच्चे को फल चाहिए, बच्चे को मिठाई चाहिए, बच्चे को आया का प्यार चाहिए। तुम तो छाती ताने घूमो तो आ रहे और बच्चे को आया का प्यार मिले, बच्चे को अपनी माँ का दूध चाहिए, अपनी माँ का प्यार चाहिए, अपने माँ का स्नेह चाहिए, भाव चाहिए, उसके हृदय की संस्कृति चाहिए, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी से आई हुई जो संस्कार की धारा है वो चाहिए, वो बच्चे को मिलती है माँ से। माँ केवल लड्डू खिलाने के लिए नहीं होती है। देखते ही कृष्ण तो व्याकुल हो गए, वो हमारे पीने की चीज और ऐसे फालतू जा रही, पुत्र स्नेह स्मृत सनी। बोले कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात ये स्तनम पिबो अलम बिहारी सुशांता क्रीडा श्रांत होती तद भगवान भोग तुम अर्वती। कन्हैया कन्हैया मेरे प्यारे कमल नैन अरविंदाक्ष, कन्हैया कन्हैया कमल नैन, हाँ कैसी प्यारी तेरी आंखें, कमल नयन माने क्या हुआ, कैसी कठोरता, मत कर बेटा मैं बुला रही हूँ अभी आया नहीं, अरे मुझे देख के अभी दौड़ा नहीं। अरविंदा सास बेटा ए ही सनम पिबो, रोहिणी ने कहा था कि वो भगनार्जुन, वो अर्जुन का पेड़ तोड़ने वाले, तो डर गए ना, तो फिर कहीं कोई पेड़ वेड़ में गिराना पड़े, है ना, हम तो बालक हैं पेड़ गिरने से डरते हैं। और मैया ने क्या कहा, ये ही सनम पिबो, ये बुलाने का, भगवान को जब कहते हैं ना ये ही आदर भव सम्मुखीनो भव सन्निधे, ये ही सन्निधे। अब तो महाराज ये ही सनम पिबो निमंत्रण दिया, क्या निमंत्रण दिया, बच्चे को बुलाने का ढंग ये हुआ ना, ये ही सनम पिबो आओ दूध पियो। अब भला बच्चा कैसे रह जाएगा, ए ही सनम पिबो अलम बिहारी, अब बहुत खेल चुके बेटा, सुख शांत है, तुम्हारे पेट में भूख लगी है, और देखो तो तुम अपने पेट पर हाथ रख के देखो तो तुम्हारे पेट में भूख आई है कि नहीं आई है, हैं? देख लो पेट पर हाथ रख के देख लो, हाँ मैया खुद ही पेट पर हाथ रख देती है कि देखो बेटा यहाँ दाहिने ये भूख लगी है, ये बाएं भूख लगी है, ये बीच में भूख लगी है, और तुम खेल रहे हो सुख शांत, थक गए हो बेटा, तक भगवान भोग तुम्हारा
आप लोगों की माँ ने अगर बचपन में खिलाया होगा गोद में तो मालूम होगा, बोला जिसको अपनी माँ की गोद ही नहीं मिली उसको क्या मालूम पड़ेगा। हमारी माँ ऐसे बोलती थी कि बेटा देखो भूख लगी है, पेट में भूख है। अरे हम कहते थे हम एकादशी करेंगे, व्रत करेंगे, हमारे घर में सब लोग करते थे। तो माँ कहती थी नहीं नहीं बच्चे एकादशी नहीं करते हैं। तो नहीं हम तो करेंगे। बोले कि अच्छा करोगे तो एक गाल से एकादशी करो, एक गाल से काट। ये अक्कल आप लोगों को मालूम है।